हेलो फ्रेंड्स, आप एक अच्छा गायक बनना चाहते हो? ज़्यादा से ज़्यादा पुराने गीत सुना कीजिए। अच्छा गायक बनने के लिए ईयर ट्रेनिंग का होना बहुत बहुत ज़रूरी है। कानों से सुरों को पहचानने की आपकी कैपेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। आप सुर सही तरह से समझ पाओ, इसीलिए ये पिछले 3 साल से ईयर ट्रेनिंग के वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं। आप इन्हें रोज़ देखा कीजिए और बजते सुरों को पहचानने की कोशिश कीजिए। कई संगीत प्रेमी ये कर रहे हैं, उनको ये आदत सी हो गई है और सफलता भी पाई है। आप ये कोशिश हर दिन करते हो तो आप भी ज़रूर सफलता पाओगे। इस वीडियो में भाग 1 और भाग 2 ये बिगनर्स के लिए है और तीसरा भाग थोड़े एडवांस्ड लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हैं। तो ये हर दिन कोशिश कीजिए और ऑल द बेस्ट टू यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट। बिगनर्स के लिए ये पहला भाग, बजते हुए सा के बाद जो एक स्वर बजा है उसे पहचानिए। सा, और एक बार सुनिए, सा, फिर से सुनिए। सा, बिगनर्स के लिए भाग 2, बजते हुए सा के बाद जो दो स्वर बजे हैं उन्हें पहचानिए। सा, और एक बार सुनिए, सा, फिर से सुनिए। एडवांस स्टूडेंट्स, आपके क्लस्टर के स्वर ये रहे। फिर से सुनिए। और एक बार सुनिए। ये रहे तीनों भाग के उत्तर। भाग 1, बजते हुए सा के बाद जो एक स्वर बजा है वो है सा प। भाग 2, बजते हुए सा के बाद जो दो स्वर बजे हैं वो है सा नी प। इसमें नी कोमल लगा है। एडवांस स्टूडेंट्स के क्लस्टर के स्वर ये रहे। नी सारे सारे सा। इस क्लस्टर में नी कोमल लगा है, सा तारा सप्तक का है, रे सा तारा सप्तक का है। नीसा नी ध प म। नीसा नी ध प म, इसमें नी और ध दोनों कोमल लगे हैं। म प ध प म ग। म प ध प म ग, इसमें ध और ग कोमल लगे हैं। ग म ग रे सा। गमो गरे सा, इसमें ग कोमल लगा है। तो ये पूरा पैच ऐसा है। इस वीडियो के बारे में या संगीत अभ्यास के बारे में आपको कोई मुश्किल हो तो आप मुझे कभी भी मेरे मोबाइल नंबर 8879183901 पर फोन कर सकते हो। मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की ज़रूर कोशिश करूँगा।